discuss today. We discuss about election campaign. What is election campaign? The main purpose of election is to give people a chance to choose the representative, the government, and the policies they prefer. Election campaign क्या है? एक purpose of election है. Election campaign जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को, उनके पॉलिसी को एंड गवर्नमेंट को चूज करते हैं, उनको प्रेफर करते हैं. देयर इट इज नेसेसरी टू हैव अ फ्री एंड ओपन डिस्कशन अबाउट हु इज बेटर रिप्रेजेंटेटिव. इलेक्शन कैंपेन में हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारे लिए कौन सी गवर्नमेंट है वो बेटर रहेगी, हमारे लिए क्या वो कार्य कर सकती है, विच पार्टी विल मेक अ बेटर गवर्नमेंट और व्हाट इज गुड पॉलिसी, कौन सी पार्टी हमारे लिए एक बढ़िया गवर्नमेंट लेकर आ सकती है, कौन सी पार्टी हमारे लिए बढ़िया पॉलिसी लेकर आ सकती है. दिस इज व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन. ये काम हो सकता है ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन, जब कैंडिडेट हमारे पास आता है, हमें अपनी पॉलिसी हमारे साथ वो डिस्कस करता है थ्रू रैली, वो होती है इलेक्शन कैंपेन. वो पॉलिसीज हम उनके विचार करते हैं, उनकी पॉलिसीज डिस्कस करते हैं. इन अ कंट्री सच कैंपेन टेक प्लेस फॉर अ 2 वीक पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट एंड द डेट ऑफ पोलिंग. कैंडिडेट के फाइनल लिस्ट अनाउंस होने एंड फाइनल डेट ऑफ पोलिंग अनाउंस होने के बीच जो समय होता है वो 2 वीक का पीरियड होता है. दैट मीन 15 डेज और 20 डेज, 17 डेज, 16 डेज, इतना समय फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट रिलीज होने के बाद एंड फाइनल डेट ऑफ पोलिंग के बीच में होता है, वो समय उनका इलेक्शन कैंपेन का समय होता है. ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट कॉन्टैक्ट देयर वोटर. इस समय के दौरान जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अपने वोटर से कॉन्टैक्ट करते हैं. पोलिटिकल लीडर्स एड्रेस इलेक्शन मीटिंग. जो पोलिटिकल लीडर्स हमारे होते हैं वो इलेक्शन मीटिंग को एड्रेस करते हैं, उनको संबोधन करते हैं, हमें अपनी पॉलिसी के बारे में बताते हैं. एंड पॉलिटिकल पार्टी से मोबिलाइज, मोबिलाइज मीन इकट्ठा, मोबिलाइज देयर सपोर्टर. वो अपने सपोर्टर को, अपने समर्थक को एक जगह पे इकट्ठे करते हैं, उनको एड्रेस करते हैं. दिस इज ऑल्सो अ पीरियड व्हेन न्यूज पेपर एंड टेलीविजन न्यूज आर फुल ऑफ इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज एंड अपडेट्स. ये वह समय जब टेलीविजन एंड न्यूज पेपर पे सर क्या होता है, कौन सी न्यूज होती है, इलेक्शन 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 और इलेक्शन कैंपेन. कैंडिडेट किसी विलेज में गया, वहाँ पे उसने कैंपेन के लोगों को अपनी पॉलिसी दिखाई, ये होता टीवी पे, यही होता है न्यूज पेपर में. बट इलेक्शन कैंपेन इज नॉट लिमिटेड टू दीज 2 वीक्स ओनली. ये इलेक्शन कैंपेन सिर्फ 2 वीक्स के लिए, 2 वीक्स के लिए लिमिटेड नहीं होती. पोलिटिकल पार्टी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शन मंथ बिफोर दे एक्चुअली टेक प्लेस. जो हमारी पोलिटिकल पार्टी होती हैं, हमारे कैंडिडेट्स होते हैं, वो इन 15 दिन में सिर्फ कंपेन नहीं करते, 15 दिन से महीनों पहले, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पहले, 1 साल पहले वो अपनी कंपेन स्टार्ट कर देते हैं, हमारे साथ अपनी पॉलिसी शेयर करनी स्टार्ट कर देते हैं. उनको हम बोलते हैं इलेक्शन कंपेन. इन इलेक्शन कंपेन पोलिटिकल पार्टी ट्राई टू पुट पब्लिक अटेंशन ऑन सम बिग इशू. इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो पोलिटिकल पार्टी होती हैं वो उस एरिया के बड़े बड़े इशू होते हैं उनके, उस पर रोक करती हैं, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बड़ी बड़ी पॉलिसी लेकर आती हैं, बड़े बड़े प्रॉमिस किए जाते हैं. दे वांट टू अट्रैक्ट द पब्लिक टू दैट इशू एंड गेट देम टू वोट फॉर देयर पार्टी ऑन दैट बेसिस. उसी आधार पर उस एरिया के, उस इलाके के, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो बेसिक नीड्स होती हैं, बेसिक इश्यूज होती हैं, उसी पे, उसी के आधार पे वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, अपने लिए वोट मांगते हैं. लेट अस लुक एट सम ऑफ द सक्सेसफुल स्लोगन गिवन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन वेरियस इलेक्शन. अब हम कुछ अजीब स्लोगन जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने अलग अलग इलेक्शन के दौरान हमारे सामने रखे थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे. कांग्रेस